हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि सिंह स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। जैसा अभी हम लोगों ने फर्स्ट इतने दिन से जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे फैक्टर अलजेब्रा, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। जैसे हमने सबसे पहले तो मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद वैक्टर अलजेब्रा में स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वैक्टर एंड स्केलर वैक्टर के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D एंड 2D ये चीज़ पढ़ी है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, राइट हैंड रूल ऑफ डायरेक्शन फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एंड सेपरेशन वेक्टर के बारे में पढ़ा है। इसी पे बेस्ड जो हमारी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, जो हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, उसमें जो ये एक्सरसाइज दी हुई है, आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें जो MCQs क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। और ये हमारे जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सारे हमारी एक्सरसाइज में ये मेंशन किए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, यही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए हम एक एक करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट। तो इसमें पहला जो हमारा दिया हुआ है पॉइंट, बोथ एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सारा एरिया एंड वॉल्यूम पे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया एंड वॉल्यूम हमारी कैसी क्वांटिटीज़ हैं। तो एरिया सबको पता है, एरिया हमारी क्या होती है, किसी डायरेक्शन में लगता है। तो ये एरिया जो हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जैसे हमारा किसी बॉक्स का है वॉल्यूम, तो ये इसके अंदर का जो वॉल्यूम निकलता है ये पॉइंट को डिनोट करता है। तो इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है वॉल्यूम में, तो ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, एरिया हमारा वेक्टर है, वॉल्यूम क्या है, स्केलर है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, बोथ एरिया एंड वॉल्यूम आर वेक्टर, नहीं ये गलत है, बोथ एरिया एंड वॉल्यूम आर स्केलर, ये भी गलत है। फिर देख लेंगे, एरिया इज स्केलर एंड वॉल्यूम इज वेक्टर, हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम इज स्केलर। तो डी पोर्शन में दिया हुआ है हमारा, वॉल्यूम इज स्केलर एंड एरिया इज वेक्टर। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा डी सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्या दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती हैं हमारी, स्केलर होती हैं, वेक्टर होती हैं या टेंसर होती हैं, ऑल ऑफ दीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी कैसी होती हैं, ये हमारी ऑल ऑफ दीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी में जैसे हम लोग देख लेते हैं वेक्टर या स्केलर या फिर टेंसर, कोई भी, जैसे हम लोग वॉल्यूम हो गया, टेंस और एरिया हो गया, या फिर डिस्टेंस हो गया, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। वही इसमें पूछ रहा है कि ये क्या होती हैं, वेक्टर भी होती हैं, स्केलर भी होती हैं और टेंसर भी होती हैं। इस वजह से इसका क्या आंसर हमारा सही हो गया, ऑल ऑफ दीज। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज ऑफ द क्वांटिटी इज़ द वेक्टर, वेक्टर पूछ रहा है इसमें से, वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होती है, वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या है, स्केलर है, चार्ज या आवेश जिसको हिंदी में कहते हैं वो किसी मटेरियल पे या किसी पॉइंट पे लगता है, वो क्या हो गया हमारा, स्केलर हो गया। स्पीड भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर हो गई। तो इसका थर्ड का ए पार्ट सही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस 5j प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारा वेक्टर दिया हुआ होता है, वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई प्लस 5j प्लस 2k। अब इसके अपॉन में क्या करते हैं, हम वेक्टर का मॉड निकालते हैं। वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर हमारा ए दिया हुआ होता है, तो इसका हम मॉड निकालेंगे। मॉड ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, आई का कंपोनेंट क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 25 प्लस 4, इसका क्या आ जाएगा हमारा, रूट 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का वैल्यू जो आएगी, आई प्लस 5j प्लस 2k अपॉन रूट 30। इसमें से देख लेते हैं कौन सा हमारा ये सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर। फिर पूछ रहा है इनके बीच में जो हमारे एंगल दिया हुआ है, टू वैक्टर्स के बीच में एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वैक्टर। तो वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड है ए, या फिर बी का मैग्नीट्यूड मॉड बी में हम निकालते हैं, तो उसी तरह रिजल्टेंट का वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर।
ये क्या हो जाएंगे, इसका कहने का मतलब है ये सारे सेम हैं। अब इसको हम मान लेते हैं कि जब ये सब सेम है तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे ए और बी हमने सबके किसके बराबर मान लिया है, एक्स के बराबर। आर को भी किसके बराबर मान लिया है, एक्स के बराबर मान लिया है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू कॉस थीटा एक्स स्क्वायर। अब जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इनको इनको जोड़ लेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, इस टू एक्स स्क्वायर को हम इधर ले लिए हैं, टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी माइनस वन बाई टू वैल्यू आई है कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा में माइनस वन बाई टू वैल्यू किसकी होती है, 120 की होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 120। थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल आई है, 120 डिग्री। तो इसका हमारा ऑप्शन फिफ्थ का, हमारा ऑप्शन फिफ्थ का डी सही हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये देख लेते हैं कंडीशन क्या दी हुई है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट बी एंड क्रॉस बी हम किस कंडीशन में करवाते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करवाना होता है तो हम किस में करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर में करवाते हैं, और डॉट प्रोडक्ट क्या करवाते हैं, स्केलर में करवाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम इसका मॉड लेते हैं, बोथ साइड मॉड लेने पर ए बी, अब क्रॉस वेक्टर में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहाँ पे क्या हुआ, ए बी कैंसिल हो गया है, सॉरी डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। कॉस थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया नीचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वन। किसकी वैल्यू होती है टेन में, टेन 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन 45 मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 45। 45 को अगर पाई के टर्म में लेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, जैसा कि हमारे आंसर में दिया हुआ है पाई बाई 4। तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कंडीशन दी हुई है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यहाँ पे जब सी हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, मॉड ए की वैल्यू दी है, मॉड बी की वैल्यू दी हुई है, एंड मॉड सी की वैल्यू दी हुई है, 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। तो हम इसका जब हम मॉड रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें मॉड ए की वैल्यू दी हुई है 3 स्क्वायर प्लस मॉड बी की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस 2ab कॉस थीटा, मॉड सी की वैल्यू क्या दी हुई है 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2ab कॉस थीटा 49। अब मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ बताई थी कि a लिखें या फिर मॉड a लिखें बोथ आर सेम, इसी तरह b लिखें या फिर मॉड b लिखें बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या है,
ए एंड बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15, 3 × 5, ये क्या हो जाएगा 15, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 15 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 कॉस थीटा, 15 कॉस थीटा, 15 अपन 30 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा में 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाता है थीटा इज इक्वल टू 60। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, 7th का बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है कौन सी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी डायरेक्शन में लगती है, जैसे कोई हमारा पोल दिया हुआ होता है उसके डायरेक्शन में लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल जब होता है पोटेंशियल एक पॉइंट पे दिया होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे वेलोसिटी में भी डायरेक्शन दी हुई होती है, एंगुलर मोमेंटम में भी वेलोसिटी वेक्टर है ये, किस वजह से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दी होती है, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है रोटेशन की डायरेक्शन दी हुई होती है, इस वजह से ये भी क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, हमारी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है या स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो 8th का ऑप्शन बी इज राइट। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j - k, बी वेक्टर दिया हुआ है i + 4j - 2k। इसमें पूछा क्या गया है हमसे, ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे 2i - 3j - k प्लस i + 4j - 2k, 3i + j - 3k, ये a प्लस बी का आ गया है। फिर a माइनस बी निकाल लेंगे 2i - 3j - k। अब यहाँ पे जब हम माइनस लेते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं हमारे चेंज हो जाते हैं, -i - 4j - - + 2k। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं, 2i - i - 7j, फिर ये क्या है 2k - k + k। ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका हमें क्या कराना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करवाते हैं हम, i j k के कंपोनेंट ले लेते हैं, ये है a प्लस बी 3 - 3, यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या दिया हुआ है -3 नहीं है 1 है, यहाँ पे k का कंपोनेंट -3, फिर यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है 1 - 7 1। अब हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ये कट हो जाएगा 1 - यहाँ पे क्या होगा, माइनस का j 3 - - - + हो जाएगा 3 प्लस का k माइनस का 21 माइनस का 1।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 21 माइनस का 20 i माइनस का 6 j माइनस माइनस प्लस 22 k। ये जो है ये हमारा वैल्यू आ गई a प्लस b क्रॉस a माइनस b का। अब इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। ये इसमें से हमारा ये ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, ये सब मैच कर रहा है, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। ये बुक में मिसप्रिंट हो गया है ये चीज़, यहाँ पे 6 आ जाएगी, यहाँ पे ये 3 नहीं होगा। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाती है, -20 i -6 j -22 k। 9th का ऑप्शन ए सही है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ़ वैक्टर 2 i प्लस j -3 k एंड 3 i -12 j प्लस c k आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ c। अब हम इसमें क्या कंडीशन क्या दी हुई है, ये जो वेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन दी हुई होती है, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। ये चीज़ हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है। जब हम a डॉट b कराते हैं और इसका जो वैल्यू आती है वो ज़ीरो होती है, तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स दिए हैं a एंड b, ये क्या हैं, हमारे परपेंडिकुलर हैं। तो हम देख लेते हैं क्या है, अब इसी कंडीशन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हम इनका, 2i प्लस j माइनस 3 k डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस का 12 j प्लस का c k इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए i के कंपोनेंट क्या हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 12, यहाँ पे j का कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 × 1 = 12। फिर यहाँ पे माइनस का 3 c, ठीक, k के कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर c है, तो इसको क्या 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 − 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 3 c इज इक्वल टू 0। सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे c क्या हो जाएगा, 6 / माइनस का 2। यहाँ पे क्या, 10th में ऑप्शन क्या है, b जो है -2, ये इसका सही आंसर है।